आप सभी लोगों को आज़ादी मुबारक हो। हमें अंग्रेजों से या अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अधूरी सी ये आज़ादी आपकी अधूरी अधूरी लगती है। क्यों लगती है? काश गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इनमें भी काफ़ी सुधार हो जाता तो मुझे लगता है कि देश की तस्वीर ही कुछ और होती। समझ रहे हैं आप लोग? आप सोचिए कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना कर्तव्य 1947 तक निभा चुके थे। उसके बाद आप देखिए कि आज़ादी हमें एक मुट्ठी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिल चुकी थी। उसका बंटवारा करना हमारा कर्तव्य था कि हर व्यक्ति तक उसके अधिकार पहुंचे, हर सुविधा हर व्यक्ति तक, निचले तबके के व्यक्ति तक पहुंच सके। लेकिन आगे का जो कर्तव्य था उसे हम लोग पूरा नहीं कर पाए। आज़ादी के बाद जो भी आपके देश के नेता हुए उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं हमारे देश में कि हमारे अधिकारों से किस तरह से हमें वंचित रखा जाता है। आप देखिए आए दिन सुनते रहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े होते रहते हैं। एक राज्य में आप देखते हैं कि कुछ गलत घटना होती है तो एक राज्य दूसरे राज्य से तुलना करने लगता है। अरे भाई, ये तुलना करने का कोई काम ही नहीं है। सुधार करना चाहिए। हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हमें करना चाहिए, आप अपने राज्य के मुखिया हैं तो आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर दीजिए आप। तो मुझे तो अधूरी अधूरी और बेईमानी सी लगती है। ये मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं तस्वीर देखता हूं भुखमरी की कि किस तरह से लोग भूख से एक तरह से कोई परिवार खत्म होता है, या आप लोगों ने कोरोना महामारी में देखी है, अनेकों तस्वीर देखी हैं। तो आप लोगों को खुद सोचिए, अगर आप लोग 5-10 मिनट का टाइम निकाल के अगर कुछ सोचते हैं तो मुझे लगता है आप निष्कर्ष पर तो पहुंच पाएंगे। ये बड़ा आसान होता है कि एक की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल लेना। कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका श्रेय खुद ले लेना, कोई गलत काम हो रहा है तो उसका श्रेय दूसरे को दे देना। ये होड़ जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन आप देखिए हमारा जो नेतागिरी चल रही है, जो चुनाव हो रहे हैं, ये जाति धर्म समुदाय इन्हें लड़ाने की बजाय आप सोचिए कि काम के नाम पर वोट, जिसमें शिक्षा के नाम, स्वास्थ्य के नाम वोट पड़ेंगे, उस दिन आप सोचिए कि भारत की तस्वीर देखने लायक होगी। आज हम चाइना से या अमेरिका से या जापान से टक्कर की बात करते हैं, लेकिन हमें उसमें और अपने आप में हर क्षेत्र में तुलना करनी चाहिए। और ये हकीकत है, कोई हकीकत से या सच से मतलब झूठ नहीं ठहरा सकता है उसे। कि आज भी देखेंगे हम लोग कि हमें जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। तो जमीन आसमान का फर्क है तो फिर उसका फर्क हमें मिटाना तो होगा। केवल बातों से मुझे नहीं लगता है कि कोई ये फर्क मिट सकता है। खैर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपना योगदान देते रहिए। वो कहते हैं ना कि अगर चुप बैठे रहे तो इसका भुगतान आपकी आने वाली पीढ़ी को भी करना पड़ेगा। इसमें कोई दोहराव नहीं होनी चाहिए। तो अपना काम करते रहिए, अपना जो भी कर्तव्य है करते रहिए। और मुझे लगता है कि इतना 24 घंटा, हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 5-10 मिनट आपको निकाल के सोचना तो चाहिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग नेताओं को चुन रहे हैं। उसका परिणाम हमारे सामने भी रहता है, हमारी अभी जो पीढ़ी है उस पर भी पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। और फिर आप लोगों को अगर एक नजरिए से देखने की अगर आदत पड़ चुकी है तो देखिए उसमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। चलिए, अच्छी बात है, मनाते रहिए, लड्डू बाजे भाषण देते रहिए। इसी से इसी को आप लोग आज़ादी समझ लीजिएगा। इसकी कीमत क्या रही है मुझे नहीं लगता है कि हम आप मिलकर कभी सोच सकते हैं। आप सोचिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में आप सभी लोगों ने बेहतर पढ़ा होगा, अगर आपने इतिहास की पुस्तकों से पढ़ा होगा तब, इतिहास की स्पेशल बुक्स पढ़ी होगी तब, अगर आपने व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ा है तो आपके इतिहास की अलग ही बात होती है।
तो आप सोचिए कि जिसमें खेलने खाने की उम्र थी जिन बच्चों की, उन्होंने देश के लिए जान दी हुई, देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, क्या उनकी कोई कीमत लगा सकता है? और याद रखिए, आजादी, देश की आजादी में हर नेता का योगदान है, चाहे वो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु हों, महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, भीमराव अंबेडकर साहब हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों। समझ रहे हैं? कोई किसी का, ये कह सकते हैं आप लोग, किसी का थोड़ा कम, किसी का ज्यादा। अगर आप लोग पूरी तरह से किसी नेता के योगदान को नकार देते हैं तो मुझे लगता है कि आप सच से सच शायद आपने पढ़ा ही नहीं है, इतिहास आपने पढ़ा ही नहीं है। खैर, आप जो मानते हैं उसे मानते रहिए, उस पर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अवधारणा या धारणा आपकी बन चुकी है दिमागी, वो बदलनी मुश्किल रहती है। लगे रहिए, अपना काम करते रहिए, अगर आपको जिसमें भी संतुष्टि मिलती है करते रहिए।